हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकाज़ कुक बुक। आज हम बनाएंगे एक ब्रेकफास्ट डिश, रवा इडली ढोकला। रवा इडली ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप रवा यानी सूजी, 1 बड़ा टेबलस्पून ताज़ा मीठा दही और थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। ये सामग्री है इडली ढोकला बनाने के लिए। हम बाद में इसकी टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच राई और 1 हरी मिर्च, मैंने इसमें काट के रखी है, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़े से कड़ी पत्ते और हरा धनिया, आपकी इच्छा अनुसार इसको डेकोरेट करने के लिए। आइए बनाते हैं इडली ढोकला। इडली ढोकला बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बैटर बना के तैयार करेंगे। सूजी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 बड़ा टेबलस्पून दही। अब इसको पानी की सहायता से घोलकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी धीरे धीरे डालेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। हमने सूजी का बैटर बना के तैयार कर लिया है। बैटर इस तरह का होना चाहिए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सूजी फूल के तैयार हो जाएगी और फिर हम इससे अपनी इडली बनाते हैं। जब तक ये मिक्सचर तैयार होता है तब तक हम अपनी इडली को तड़का लगाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन को गर्म कर लिया है, उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे राई और हरी मिर्च। राई अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसमें डालते हैं कड़ी पत्ता। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये मैंने लगभग 1/2 कप, इस साइज का 1/2 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर उबलने देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चीनी, ये मैंने 1 टीस्पून चीनी ली है। हमने इस तड़के वाले पानी को 3-4 मिनट उबलने दिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/4 चम्मच नमक और गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम ये 1 चम्मच नींबू का रस और इस तड़के को ठंडा होने देंगे। ये तड़का हमेशा गरम गरम इडली पे नहीं डाला जाता। अब हम बनाएंगे अपना रवा इडली ढोकला। उसके लिए हमने इडली स्टैंड में थोड़ा पानी डाल के उसको स्टीम होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल हम अपने ये इडली वाले बर्तन जो हैं इनको थोड़ा सा ग्रीस करके तैयार कर देते हैं। जरा सा तेल डाल के इस तरह से हम अपने सारा जितने भी ये इडली स्टैंड है इनको ग्रीस करके रख लेंगे। बैटर हमारा फूल गया है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो फ्रूट सॉल्ट हमेशा इडली बनाने से जस्ट पहले डालेंगे। सॉल्ट डालते ही बैटर में झाग उठने लगते हैं। तुरंत ही इसको हम अपने मोल्ड्स में डाल के रवा इडली ढोकला तैयार करेंगे। इस तरह से हम सभी मोल्ड्स भर देंगे।
हमने अपना बैटर इडली मोड में डाल के तैयार कर लिया है। इडली मेकर में भी स्टीम बन चुकी है। अब हम इसमें ये अपना स्टैंड रख देते हैं। इसको ढक के फुल आंच पे 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद आंच मीडियम करके लगभग 10 मिनट और पकाएंगे। रवा इडली ढोकला पकते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम एकदम से अनमोल्ड नहीं करेंगे, 5-7 मिनट इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको एक एक रवा इडली ढोकले को निकालेंगे ताकि ये नीचे से एकदम स्मूथ निकले। गरम गरम हम निकालेंगे तो ये नीचे से टूट सकते हैं। अब हम इसको चम्मच की सहायता से इसके किनारे पहले छुड़ाएंगे और इस तरह से ये हमारे रवा ढोकला बड़े आराम से मोल्ड में से निकल जाएंगे। ये देखिए हमारा रवा इडली ढोकला तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। हमने ये जो टेम्परिंग बनाई थी ये इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे और सभी ढोकलों को इससे कवर कर देंगे। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। ये एक बहुत ही लाइट और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट डिश है और सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे आप नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकास कुकबुक।